like you're in a thriller. Heart goes pump, pump, pump. Grossly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back to. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really want to really not that cozy? It's up to you, so you decide, you decide. Could you love me at my worst? Till the coffin's in the door. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Or could you... आज मैं आया हूँ ऐसे एक शोरूम में जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड, जिसकी हिस्ट्री 120 साल पुरानी, एंड एक ऐसे लॉन्च इवेंट पे आया हूँ जो बहुत प्यारी बाइक्स बनाती है. उसी के साथ एक नई बाइक लेकर आए हैं, जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411. मेरे साथ है राजा गिल साहब. आओ भैया, एंड बताओ इस बाइक के बारे में, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो मेरे व्यूवर्स को, एंड बताओ इस बाइक के बारे में. ये जो हमारी बाइक है स्कैम मॉडल, अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है ये आपकी 411 सीसी में है. ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा हिमालयन का कॉन्सेप्ट है. ओके, ठीक है. इसके अंदर जो टायर है आपके 18 इंची के टायर है. ओके, आपका पीछे का और उसमें 17 का आगे का है. अच्छा, ठीक है. 411 सीसी के अंदर इसमें हमने को जो सीट हाइट है इसकी 800 है. ग्राउंड क्लियरेंस है दो वो 200. तो दोस्तों जो ये बाइक आती है 411 सीसी के ऑयल कूल्ड इंजन के साथ ये बाइक आती है आपकी, एंड मैं अगर बात करूँ ये एक स्क्रैम्बलर को एक नया फेस देने वाली है, क्योंकि ये प्रॉपर स्क्रैम्बलर बाइक है. नाम ही क्योंकि इसका स्क्रैम 411 है. और अगर मैं इस बाइक के बारे में बात करूं, ये आती है डिजिटल मीटर के साथ आपके, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं. अगर आपको टाइम देखना है टाइम देखेगा, ट्रिप मीटर देखना है तो ट्रिप मीटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको. और साथ ही साथ एक एडिशनल फीचर है जो कंपनी आपको देगी अगर आप वो लेना चाहो, जो कि आपका नेविगेशन का आपको अलग से लेना पड़ता है इसका जो सेटअप आता है, एंड वो कंपनी आपका इंस्टॉल कर देगी, जिसके कुछ मिनिमल चार्जेस रहते हैं बाइक के साथ आपके. कंपनी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी है इस बाइक के साथ, जो कि इसके लोगों को लेके, लोगों की मैं अगर बात करूँ, कंपनी ने यहाँ पे एक अलग से सेपरेट एरिया दिया हुआ है जिसमें आपको रॉयल इनफील्ड दिखा मिलेगा, एंड साथ ही साथ एक छोटा प्यारा सा एक आपको आर का साइन और मिलेगा. नीचे की तरफ अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी आपको रॉयल इनफील्ड का एक लोगो मिलेगा बहुत प्यारा सा. साइड में प्रोटेक्शन के लिए, आपके इंजन प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रोटेक्शन गार्ड दिए हुए हैं. एंड थोड़ा आगे बढ़ूँ तो प्रॉपर आपकी ये अगर पेट्रोल टैंक की बात करता हूँ तो ये आपका आता है मेटल बॉडी में. साथ ही साथ इसकी मैं बात करता हूँ साइड प्रोफाइल की, तो ये आता है का फाइबर में, जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ आपको दिया हुआ है. मैं अगर फ्रंट की बात करूँ इस बाइक के बारे में, तो 18 इंच के आपके इसके व्हील्स आते हैं. फ्रंट जो व्हील रहेगा वो आपका 17 इंच का रहेगा, एंड जो रेयर व्हील रहेगा वो आपका 18 इंच का रहेगा. थोड़ा आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जिसकी अगर हम इंजन की बात करें, तो इंजन आपका जो रहेगा ऑयल कूल्ड इंजन रहेगा जैसे कि मैंने बताया. साथ ही जो पावर प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पावर रहेगी, जो कि 24.3 BHP के पावर एट 32 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस सेगमेंट को लेके. अब अगर मैं थोड़ा साइड की तरफ आता हूँ, बाइक के थोड़ा प्रेजेंस के बारे में बात करता हूँ, तो 200 mm की काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपकी स्क्रैम्बलर बाइक आती है. मैं स्क्रैम्बलर बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाइक का नाम स्क्रैम है, बट कुछ लोग ना समझ पाए उस रेफरेंस के लिए मैं स्क्रैम्बलर बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही एक फेस चेंज कर रही है आपके स्क्रैम्बलर का. अब इसके साथ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है और बाइक कैसी है ये, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली बता रहा हूँ काफ़ी अच्छी लगी है. एंड क्योंकि मैं पर्सनली खुद रॉयल इनफील्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो कोई ये वो नहीं है कि आप समझो कि मैं कुछ इसकी फेवर कर रहा हूँ, बट बाइक जेन्युइनली बहुत अच्छी बनाई है, मैंने पर्सनली राइड करके देखी, बहुत अच्छी लगी मुझे. थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, तो अगर मैं इसके फुटरेस्ट वगैरह की बात करता हूँ, तो बिल्कुल ये एक स्क्रैम लुक दिए हैं आपको, जो कि आपको नॉर्मली बाइक्स में देखने को नहीं मिलेगा. मैंने पहले HD की वीडियो बनाई, तो उसके अगर कंपैरिजन में बताऊं तो ऑल एंड ऑल काफ़ी अच्छी बाइक बनाई है, क्योंकि कंपनी अपने किसी भी क्लासिक लुक को छोड़ना नहीं चाहती. तो कंपनी ने अपना जो लैम्प दिए हैं वो हैलोजन दिए हैं, इंडिकेटर्स जो रहेंगे वो भी आपके हैलोजन रहेंगे. साथ ही साथ इसमें भी आपको हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आज की डेट में हर बाइक ही प्रोवाइड कर रही है आपको, एंड अगर रॉयल इनफील्ड कर रही है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी चीज़ है. साथ ही साथ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक पार्किंग लाइट मिल जाती है नीचे की तरफ, एंड ऊपर आपको नॉर्मल हेडलैम्प मिलेगा, जो कि आपका ट्रिप हाई बीम लो बीम कर सकते हो.
अब मगर इसकी सीटिंग की बात करूँ तो सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल बनाई हैं, नॉर्मल सीट्स की तरह नहीं है, नॉर्मल बाइक की सीट्स की तरह, जो कि जिस पर आप बैठ रहे हो एंड बैक एक हो रही है, स्क्रैम्बलर है तो बैक एक होगी, ऐसा नहीं है, वो भी रीडिफाइन करा है रॉयल इनफील्ड ने, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स बनाई हैं आपकी एंड दो बंदे आराम से इसमें बैठ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको हैंड ग्रिप भी दी हुई है ताकि कोई पीछे बंदा बैठ रहा है पिलियन, उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूं तो ये आती है आपकी ड्यूअल चैनल ABS के साथ। साथ ही साथ अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करता हूं, फ्रंट सस्पेंशन जो इसका रहेगा वो रहेगा आपका टेलीस्कोपिक। अगर मैं इसकी रेयर की बात करूं तो वो रहेगा आपका मोनोशॉक। बाइक कैसी लग रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहना एंड किसी को आना हो तो ये छतरपुर दिल्ली में आपकी शोरूम पड़ता है रॉयल इनफील्ड का, वहाँ आप आके बुक करा सकते हो, टेस्ट राइड भी ले सकते हो, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में तो आप बताई दोगे। बाकी इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो करे लाइक, चैनल पे नए तो करे सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय, गुड लक, सी या।